सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या के विरोध में आदिवासी संगठनों ने रांची बंद का आह्वान किया। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर तक में इसका असर देखने को मिल रहा है। पुंदाग में भी बंद समर्थक सड़क पर उतरे हैं और यहां का जायजा लिया है हमारे सहयोगी इमरान ने। मुंडा के हत्या के विरोध में आदिवासी मूलवासी संगठनों का रांची बंद बुलाया गया था। रांची बंद का राजधानी रांची में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। नगड़ी पुंदाग सहित कई इलाकों में सड़कें जाम हैं। इनके अलावे अब पुंदाग की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो बंद समर्थक है वो सड़कों पर मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से सुभाष मुंडा के उनके कार्यालय में घुस करके अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार करके हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, इसे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए रांची बंद का बुलाया गया था। रांची बंद बुलाने के दौरान जो आदिवासी मूलवासी संगठन के लोग हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। क्या मांग रख रहे हैं आप लोग? देखिए, राज्य का जो कानून व्यवस्था है एकदम चौपट हो गया है। आज आम जनता सुरक्षित नहीं है। सरकार किस पर, जनता किस पर भरोसा करे? जिसकी जिम्मेवारी जनता को सुरक्षा देने पर है वही असुरक्षित है। अब बताइए, हमारे देश में जनता टैक्स किस लिए देती है? ताकि यहाँ के जनता सुरक्षित हो, यहाँ के लोग सुरक्षित हो। अगर जनता सुरक्षित नहीं है तो आज जनता सड़क पे है। आप देखिए सुभाष मुंडा का उदाहरण, जनता सड़क ही रहे हैं। प्रेजेंट में देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। किसी को भी कोई मार के चला जा रहा है। क्या हम लोग सुरक्षित है क्या अभी इस दौर पे? अभी हम लोग वोट डालते हैं, किस लिए डालते हैं? आज का युवा है क्या, इसी चीज के लिए मारते हैं हम लोग वोट? पुलिस से निवेदन है कि जल्द से जल्द उस कातिल को गिरफ्तार किया जाए और उस माहौल को शांत किया जाए, नहीं तो फिर ये आंदोलन जारी रहेगा और ये घटना होते रहेगा। सड़कों पर मौजूद है युवा हैं जो कि अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सुभाष मुंडा की हत्या हुई है उसके बाद से लगातार जो पुलिस है वो सड़क पर मौजूद है और पुंदाग ओपी के जो पुलिस हैं, प्रभारी हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। लोगों को समझा बुझा करके शांत करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जिस तरह से जो हत्या हुई है, हत्या के बाद अगर देखेंगे तो कई दुकानें जो हैं वो बंद हैं, गाड़ियों का आवाजावन जो है वो पूरी तरीके से एक तरह से कहें तो ठप हो गया है। तो एक पूरे मामले को लेकर के अल्टीमेटम भी दिया गया था कि सुभाष मुंडा की हत्या के विरोध में बंद कॉल तो किया गया है, लेकिन 12 घंटे के अंदर अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो सड़कों पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। घटना के कई घंटे बीत गए हैं। कल 8 बजे शाम को पूरी घटना हुई थी, लेकिन अभी तक जो अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी को लेकर के आक्रोशित जो लोग हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं और देख रहे हैं कि लगातार दुकानों को बंद कराया गया। लोगों का कहना है कि पहले से ही कॉल किया गया था रांची बंद को लेकर के, लेकिन इसके बावजूद जो बंद समर्थक हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। प्रयास ये हो रही है कि लोगों को समझा बुझा करके शांत किया जा सके। पुंदाग ओपी के साथ साथ तमाम जो पुलिस है, रांची पुलिस के जो पदाधिकारी हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोग सड़क पर उतरे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कैमरामैन रिजवान के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज 11 भारत, रांची।